हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे धातुएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। धातुओं से भी आपके आईएएस पीसीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ें। हम लोग अभी पिछले दिनों फेरस मेटल यानी लौह धातुएं पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अलौह धातुएं। अलौह धातुओं में भी हम लोगों ने तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब का लेड है यानी पीबी है, टिन है, एसएन है, इन सब को पढ़ा। उनके क्या हैं ओर यानी अयस्क और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। अब उन्हीं धातुओं से हम लोग मिश्र धातुएं बनाते हैं। मिश्र धातुएं आपको बताए हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर कोई तीसरी धातु बनाई जाती है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि आवश्यक गुण उत्पन्न करने के लिए, अपने हिसाब से उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग दो या दो से अधिक धातुओं को एक विशेष अनुपात में मिला देते हैं, तब इस प्रकार एक तीसरी धातु बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र धातु अथवा एलाय मेटल। तो लिख लें, दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नई धातु बना ली जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल है, कांसा है, सोल्डर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग एक एक करके जो मेन है, मुख्य हैं, उनके विषय में देखते हैं। तो पहली मिश्र धातु हम लोग लेते हैं पीतल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीतल के भी विषय में बहुत पूछा जाता है आपके कंपटीशन में, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सब में पूछा जाता है। तो पहला हम लोग लेंगे पीतल, जिसे हम लोग ब्रास कहते हैं। लिख लें पहली पॉइंट, यह कॉपर प्लस जेडियन जिंक, यह है कॉपर और यह है जिंक की मिश्र धातु है। सेकेंड पॉइंट लिख लें, इसमें कॉपर 70% व जिंक 30% लगभग होता है।
अथवा 2:1 के अनुपात में होता है। तीसरी पॉइंट, यह पीले रंग की धातु है या मिश्र धातु है। अगली पॉइंट, यह तांबे CU से अधिक कठोर व मजबूत होता है। परंतु गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट इसे कहेंगे, गलनांक कॉपर से कम होता है। ज़्यादातर अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक घटता है, तो कॉपर इसमें मेन है। कॉपर 70% है, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो कॉपर में जिंक मिला दिया गया है, तो एक तरह से इम्प्योरिटी हो गई, तो कॉपर का 10:83 मेल्टिंग पॉइंट है, तो उससे घट जाएगा, 10:83 से कम हो जाएगा। तो परंतु गलनांक कॉपर से कम हो जाता है। अगली पॉइंट, यह नर्म तन्य लिखाया गया है, वह आघात वर्ध होता है। अगली पॉइंट, इस पर जंग नहीं लगता। इसी पीतल को हम लोग कहते हैं कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, ये पीले रंग का होता है। और पीतल का भी हम लोग आभूषण ले लेते हैं, और तो इसलिए कहावत है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। इसका भी कलर पीला है, और ये भी मिलावट करके बनाया जाएगा। इसमें देख रहे हैं, कॉपर में जब जिंक मिला देते हैं तो यही बन जाता है पीतल, और इसका रंग भी पीले रंग का होता है। इस पर भी जंग नहीं लगता। अगला, इसका उपयोग देख लें, लिख लें, इसका प्रयोग बर्तन, मूर्ति, टोंटी, ताले, व अन्य वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है। अगला, कांसा ले गए। अगली मिश्र धातु है हमारी कांसा, जिसे आप लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। लिख लें, यह कॉपर प्लस एसएन
ये एसएन टिन है, ये कापर है और एसएन किसका प्रतीक है, टिन का। की मिश्र धातु है, हमारा कांसा क्या है, यह कार्बन व टिन की मिश्र धातु है जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। अगली पॉइंट लिख लें इसमें, इसमें कापर 85% तथा टिन, पोस्ट में एसएन लिख दिया, 15%। होता है। अगली पॉइंट, यह सफेद रंग का होता है, अगली पॉइंट यह कठोर व मजबूत होता है, अगली पॉइंट इसके मेडल जो खिलाड़ियों को मेडल दिया जाता है वो इसके मेडल बर्तन आप लोग देखे होंगे हम लोगों के घरों में, जिसे आप फूल का बर्तन कहते हैं, जो शादी विवाह में दिया जाता है, सफ़ेद सफ़ेद फूल का लोटा थाली परात और वो बड़ा वाला जो होता है थार जो चढ़ाया जाता है दिया जाता है, तो थार है, परात है, लोटा है, थाली है, जो हैवी वजनी होता है, बहुत महंगा होता है, जिसे आप लोग फूल का बर्तन कहते हैं, वो फूल का नहीं है, वो इसी कांसे का है अथवा ब्रॉन्ज का है। तो उसके मेडल भी दिए जाते हैं, बर्तन भी, इसकी मूर्ति भी बहुत बनाई जाती है, मूर्ति व अन्य उपयोग में लाया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे लिखेंगे गन मेटल। तीसरा है बंदूक धातु अथवा गन मेटल। बंदूक धातु भी कहेंगे इसे, गन माने बंदूक, तो गन मेटल लिख लें। पहली पॉइंट, यह कापर प्लस एसएन प्लस जिंक की मिश्र धातु है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 10 लाख बार पूछा गया। सेकेंड पॉइंट, इसमें CU 88%, SN 10% व जिंक ZN यानी जिंक 2% होता है। अगली पॉइंट, यह बहुत मजबूत
शक्तिशाली होता है, अगला जो 10 लाख बार पूछा जा चुका है वो पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 10 लाख बार आपके आरआरबी में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट आप देख लें। इसका उपयोग बंदूक, बेयरिंग, बुश, गियर, आदि बनाने में करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आरआरबी, आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ में यही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि बैरिंग बनाई जाती है, ये बैरिंग बनाई जाती है और एक विकल्प आपका दे देगा गन मेटल। बैरिंग बनाई जाती है और दे देगा बैरिंग कॉपर की बनाई जाती है, ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, लोहे की बनाई जाती है और एक विकल्प दे देगा कि बैरिंग जो है उसमें एक विकल्प रहेगा गन मेटल। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो गन मेटल का मतलब समझते हैं बंदूक धातु हिंदी में, तो उससे केवल ये समझते हैं कि खाली ये बंदूक बनाई जाती है, ऐसा नहीं। बंदूक तो बनाई ही जाती है क्योंकि उसका नाम है पड़ गया है गन मेटल, तो बंदूक बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग इसका बैरिंग बनाने में भी करते हैं। तो इस तरह से बच्चों का ध्यान उधर जाता ही नहीं है, तो इसे नोट करें, बैरिंग बनाने में गन मेटल का एक विकल्प रहेगा, तो यही गन मेटल आपका आंसर होगा। और ये जो है आरआरबी चंडीगढ़ में और अन्य रेलवे भर्ती बोर्डों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगली मिश्र धातु हम लोग देखते हैं फास्फर ब्रांड। अगली है फास्फर ब्रांड, फास्फर ब्रांड लिख लें, यह कॉपर प्लस एसएम प्लस फास्फोरस पी की मिश्र धातु है। यह कॉपर, यह टिन, यह फास्फोरस, पी फास्फोरस, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया फास्फर ब्रांड। यह फास्फोरस की मिश्र धातु है, ये हो गई पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें कॉपर 89%, एसएन 10% व फास्फोरस 1% होता है। अगली पॉइंट, यह मजबूत होता है,
अगली पॉइंट, इसका उपयोग गियर, बुश, वाल्व, आदि बनाने में करते हैं। आप लोग देखे होंगे बुश, आप समझ रहे हैं, बुश भी एक प्रकार की बैरिंग है। पहले पंखे वगैरह में या मशीनों में धुरे के ऊपर बुश लगाया जाता था, या वैसे कहेंगे तो बुश बैरिंग लगाई जाती थी। तो बुश जो है एक बेलनाकार ऐसे भाग होता है जो कि अभी भी आपके टुल्लू वगैरह पंप में लगता है, जो आपके कूलर में टुल्लू पानी उठाने के लिए लगा रहता है, उसमें जो राड नीचे की ओर आती है, ऐसे एक राड नीचे की ओर आती है जिसमें नीचे की ओर पंखुड़ी, उस पर ये आपका यही है बुश, ये बुश जो है इसके ऊपर लगा रहता है और इसी में आपकी ये राड जो है नाचती है। नीचे ऐसे ऐसे ब्लेड लगी रहती है, ऐसे ऐसे ब्लेड लगी रहती है, तो ये ब्लेड नाचती है, ऐसे ऐसे पानी में नाचती है, और ये जो है पैक रहता है तो ये फिर इधर से पानी उठाता है, इस टाइप से इसे मोटर नचाती रहती है। तो ये पोर्शन जो है अंदर, जो मशीन की एक तरह से हाउजिंग है, तो उसमें बैरिंग हम लोग रोलर या बॉल बियरिंग न लगा कर हम लोग ऐसे बुश लगा देते हैं। और फिर जब हमारा ये धुर्रा, ये शाफ्ट है, ये धुर्रा जब नाचता है तो अंदर से बुश की या बुश बियरिंग की दीवारें कट जाती हैं, धीरे धीरे घिस जाती हैं, और हमारा बुश जो है वो ख़राब हो जाता है, इसमें प्ले हो जाता है। तो धुर्रा इसमें जब प्ले हो के चलने लगता है तो ये ज़्यादा रगड़ मारता है और ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है, तब हमारा टुल्लू जो है जाम हो जाता है, रुक जाता है। पुनः हम लोग दुकान पर ले जाते हैं तो इसे खींच कर जो है वो बुश को निकाल देता है, और फिर नया बुश जो है मैकेनिक वहाँ फिट कर देता है, तो फिर कुछ दिन चलता है। बुश लगाने से क्या होता है कि जिस मशीन का ये भाग है, ये मशीन का या ऐसे होल है, तो ये मशीन का धातु कटने से बच जाती है। हमारा बुश ही बार बार कटता है और उसे बुश को निकाल कर, बुश सस्ते हैं, 20 रुपये का, 15 रुपये का, 50 रुपये का ऐसे मिल जाता है, तो हम नया बुश डाल देते हैं। तो वही बुश जो है इस फास्फर ब्रांच वगैरह के बनाए जाते हैं। वाल्व आपको बताया ही गया था कि जैसे हम लोग जल खोलने के लिए, बंद करने के लिए टोंटी बनाते हैं, या गैस स्टीम खोलने के लिए हम लोग वाल्व लगाते हैं, टोंटी लगाते हैं, तो वही हमारा वाल्व हो गया। हैंडपम्प में वाल्व लगा, आपके साइकिल में वाल्व लगा है, तो वाल्व बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाल्व आपको मालूम है कि वह युक्ति है जो वन वे कार्य करती है। जैसे हैंडपम्प में पानी आ गया तो आपका चक वाल्व उसे ऊपर ही रहने देता है, वापस ज़मीन में नहीं जाने देता, तो वाल्व वन वे कार्य करता है। एक तरफ तो लिक्विड को, गैस को जाने देगा, लेकिन जो चला गया उसे वापस लौटने नहीं देता। तो ऐसी युक्तियों को वाल्व कहते हैं। और गियर जो है दांतेदार पहिया है जो कि पॉजिटिव ड्राइव में प्रयोग की जाती है, तो अभी आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, इन सब में फास्फर ब्रांच का उपयोग करते हैं। अब हम लोग अगला देखो, मिश्र धातु पढ़ रहे हैं, ड्यूरेल्यूमिन, यह एल्युमिनियम बेस धातु है। तो लिख लें पहली पॉइंट, यह एल्युमिनियम बेस धातु है। बहुत पूछता है कि ड्यूरेल्यूमिन कौन धातु बेस है, तो आप लिखेंगे एल्युमिनियम बेस धातु है। अगली पॉइंट लिख लें, इसमें एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4% व मैग्नीशियम तथा मैग्नीज
प्रत्येक, शून्य दशमलव 5% होता है। अगली पॉइंट, यह मजबूत व हल्का होता है। हल्का होना ही इसका सबसे बड़ा क्वालिटी है। अगली पॉइंट, इसका उपयोग हवाई जहाज के इंजन के भागों को बनाने में केबिल में व अन्य उपयोगों में किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे बैबिट धातु। आपके आरआरबी चंडीगढ़ में ये भी 1 लाख बार पूछा गया, कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बैबिट धातु कई बार पूछा है। यह टिन बेस धातु है। कोस्ट में एसएन लिख लें, बेस धातु है। इसका मतलब कि इसमें टिन मुख्य धातु है। पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट लिख लें, यह या इसमें एसएन 87.75% कामा कापर 4% कामा एंटी मनी एसबी 8% व बिस्मत बीआई यानी बिस्मत 0.25% होता है। अथवा की मिश्र धातु है। ध्यान से देख लें, ये प्रश्न आपके रेलवे में चंडीगढ़ में पूछा था कि बैबिक कौन सी बेस धातु है, तो आप कहेंगे टिन बेस धातु है। और इसमें देखें, टिन ही सबसे ज़्यादा है। टिन 87.75% है, कापर 4% है। इसे एसबी यानी एंटी मनी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? एंटी मनी। और इसे बिस्मत कहेंगे। इस तरह से कापर 4% है, एंटीमनी 8% है और बिस्मत 0.25% है। जो इसका उपयोग है वो लिख लें, इसका उपयोग
है भी। कार्य हेतु बैरिंग बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बैरिंग बनाने में करते हैं और हैवी कार्य हेतु बैरिंग बनाने में किया जाता है। जहाँ पर हैवी लोड पड़ रहा हो वहाँ पर इसकी बैबिक धातु की बैरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। शोल्डर अथवा झाल, झाल हिंदी है, अंग्रेजी है शोल्डर। शोल्डर आप लोग जान रहे होंगे, शोल्डर की हिंदी झाल है और शोल्डरिंग की हिंदी झलाई है। झलाई जब बच्चे आरआरबी कोलकाता का एक बार एग्जाम देने लोग गए तो स्टार्टिंग के जो प्रश्न थे उसमें झाल और झलाई से पूछ लिया। हिंदी वर्जन में शुद्ध हिंदी पूछी जाती है तो उसने झाल के लिए पूछ लिया कि मृदु झाल क्या होता है, किसका वो मिश्र धातु है, और झलाई से पूछ लिया तो बच्चे लोग बहुत परेशान हुए कि ये झाल और झलाई क्या होता है। तो देख लें, शोल्डर जिसको आप लोग रांगा भी कहते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में टांके लगाते हैं, तार को जोड़ते हैं कापर के, वैसे हैवी भी जोड़ हम लोग इस्पात और लोहे को भी जोड़ सकते हैं, तारों को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में जोड़ते हैं शोल्डर से अथवा रांगे से, अथवा उसी की हिंदी है झाल। और जोड़ने की क्रिया को हम लोग अंग्रेजी में शोल्डरिंग कहेंगे, हिंदी में झलाई कहेंगे। तो आप लोग अवगत हो जाएं, झाल अथवा झलाई पूछ रहा है तो इसका मतलब शोल्डर को पूछ रहा है। तो लिख लें, हालांकि इस पहली पॉइंट ही लिख लें, इसका उपयोग कापर लोहे की वस्तुओं पर जोड़ लगाने में किया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, यह दो प्रकार का है, यह दो प्रकार का होता है, पाला है मृदु झाल जिसे कहेंगे सॉफ्ट शोल्डर, और दूसरा है कठोर झाल जिसे कहेंगे हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर। अब हम लोग मृदु झाल देखते हैं। मृदु झाल सॉफ्ट शोल्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 10 लाख बार पूछा गया। कितनी बार? 10 लाख बार पूछा गया है ये, 10 लाख बार ये क्वेश्चन आपके रेलवे में, एनटीपीसी में और पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से देख लें, मृदु झाल ये लेड व टिन की मिश्र धातु, या लेड प्लस टिन
लेड को पीबी बोलेंगे, पीबी और टिन को एसएन। लेड व टिन की मिश्र धातु है, और लेड और टिन का विभिन्न अनुपात इसमें होता है। जैसे पहला अनुपात आप देखेंगे ये 33%, तो ये हो जाएगा 67%। अगर ये 67% हो जाएगा तो ये 33% हो जाएगा, और अगर चाहें तो दोनों 50% और 50% कर दें। तो ये इनके जो है मिलाने का अनुपात है। अगली पॉइंट लिख लें, इसी में अगली पॉइंट इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, इसका गलनांक 350 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, अर्थात यह 350 डिग्री से कम ताप पर ही पिघलने लगता है। अब दूसरा इसी में है हमारा कठोर झाल, इसको भी देख लें। कठोर झाल इसी का सेकेंड पार्ट है, कठोर झाल। यह कॉपर व जिंक आधारित सोल्डर है। अगली पॉइंट इसमें लिखने बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नामक कठोर झाल में कॉपर 60%, जिंक 25%, व निकल 15% होता है। ये भी आपके जो है 10 लाख बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में 10 लाख बार पूछा गया है। आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है, सीपीएमटी में भी बहुत पूछा है। यही प्रश्न पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज होता है। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन यही पूछता है कि जर्मन सिल्वर नामक कठोर झाल में सिल्वर की परसेंटेज मात्रा होती है, तो सिल्वर की परसेंटेज मात्रा शून्य है। देख लें कॉम्बिनेशन, ये इसकी मिश्र धातु, ये कॉपर जिंक व निकल की मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 60% है, जिंक 25% है और निकल 15% होता है। इसमें कहीं सिल्वर है ही नहीं, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर ये क्या है, एक कठोर झाल है और इसमें सिल्वर का परसेंटेज 0 है, ये इसकी मिश्र धातु है। आगे लिख लें अगली पॉइंट, यह 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पिघलता है,
फिर से आगे चलते हैं। अगली मिश्र धातु नाइक्रोम ले लें, अक्सर पूछता है, बहुत पूछता है आपके कंपटीशन में। नाइक्रोम तो यह निकल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है। इसमें निकल 80% क्रोमियम 20% होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट जो आप हीटर में कॉयल लगाते हैं वही है हीटिंग एलिमेंट, या प्रेस में जो लगाते हैं वो आपका हीटिंग एलिमेंट है, और वही नाइक्रोम का बनाया जाता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है तो निकल और क्रोमियम की, जिसमें निकल 80% और क्रोमियम 20% होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अगली मिश्र धातु हम लोग लेते हैं कॉन्स्टेंटन, जिसे यूरेका भी कहते हैं, और कॉन्स्टेंटन भी कहते हैं। यह कॉपर प्लस निकल की मिश्र धातु है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें लिख लें, इसमें कॉपर 60%, निकल 40% होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध 0 बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। इसका उपयोग रेगुलेटर स्टार्टर रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स आदि में करते हैं। क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है,
अगला हम लोग पढ़ेंगे रोल्ड गोल्ड, इधर देख लेते हैं दसवां रोल्ड गोल्ड, नाम सुने होंगे जिसे हम लोग नकली सोना भी कहते हैं। रोल्ड गोल्ड को नकली सोना भी कहा जाता है, नकली सोना। तो यह कॉपर प्लस एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, कि मिश्र धातु है। सेकेंड लिख लें, इसमें कॉपर 90% व एल्युमिनियम 10% होता है। अगली पॉइंट लिख लें, इसका उपयोग नकली आभूषण, नकली आभूषण बनाने में करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके बस अड्डे पर या ट्रेन में इसकी जंजीर है, मोटे मोटे लॉकेट वाली जंजीर, ये सब लेकर वो बेचते रहते हैं और एक चाकू से उस पर रगड़ भी मारते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए इसकी पॉलिश या इसका कलर उतरने वाला नहीं है, एकदम देखने में एकदम सोने जैसा ही इसका कलर होता है, बहुत हल्का होता है। और चाकू से वो रगड़ कर दिखाते रहते हैं कि देखिए मैं चाकू इस पर मार रहा हूँ लेकिन इसका कलर नहीं उतर रहा। और ये भी बोलते रहते हैं कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, इसके विषय में ये कहते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं और बेचते रहते हैं कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो इस तरह से नकली जो है महिलाएं भी जो पहनती हैं, आप देखते होंगे कि गले में हार वगैरह इस टाइप से वो नकली होता है, उस पर केवल ये इसी का बनाया जाता और बहुत है तो हल्का सा सोने का जो हम लोग कहते हैं कि पानी चढ़ाया हुआ है, तो इस टाइप से तो इसका नकली आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मेन जितने भी मिश्र धातु में रहें जो अक्सर पूछी जाती हैं वो भी आपको बताया, जो इम्पोर्टेंट है उसे आप ध्यान से पढ़ें और अमित परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें और सफलता आपका कदम चूमेगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको।